बांग्लादेश में बिगड़ रहे हालात, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, भारत ने उठाया बड़ा कदम, अमित शाह ने बनाई कमेटी। बांग्लादेश में युवाओं के प्रदर्शन ने एक ऐसा खेला किया कि बांग्लादेश में तख्ता पलट ही हो गया, जिसे पूरी दुनिया ने देखा। दुनिया ने यह भी देखा कि कैसे शेख हसीना को प्रधानमंत्री का पद ना सिर्फ छोड़ना पड़ गया, बल्कि पद छोड़ने के साथ ही शेख हसीना को अपना देश भी छोड़कर भागना पड़ा और इस वक्त वो भारत में है। लेकिन शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ते ही वहां हालात काफी बिगड़ चुके हैं और तो और हिंदुओं के बुरे दिन भी शुरू हो चुके हैं। लगातार वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं के घरों को तोड़ा जा रहा है और मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। हिंदुओं की जान खतरे में है, उनकी जान ली जा रही है। तमाम तस्वीरें और वीडियो ऐसे वायरल भी हो रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या कुछ हो रहा है, हिंदुओं के साथ कैसे अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन अब बहुत हो चुका है, क्योंकि केंद्र सरकार अब इस पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है ताकि बांग्लादेश में फंसे हिंदुओं की रक्षा की जा सके। दरअसल बांग्लादेश में बिगड़े हालातों के बीच कई बांग्लादेशी हिंदू भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर डेरा जमाए बैठे हैं, बल्कि ये लोग भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीएसएफ ने इन लोगों को बॉर्डर पर ही रोक दिया है। इन सभी हालातों के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी घोषणा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने बांग्लादेश में चल रहे हालात को देखते हुए भारत बांग्लादेश सीमा यानी कि आईबीबी पर मौजूद स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। ये समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ बातचीत बनाए रखेगी ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदायों की भी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, बांग्लादेश में जारी हालात के मद्देनजर मोदी सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर मौजूदा हालात पर नजर रखने के लिए एक समिति गठित की है। ये समिति बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संवाद बनाए रखेगी ताकि वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इस समिति की अध्यक्षता एडीजी सीमा सुरक्षा बल पूर्वी कमान करेंगे। इसके साथ साथ गृह मंत्री ने स्पष्ट किया है कि सरकार हर संभव प्रयास करेगी ताकि बांग्लादेश में भारतीय और हिंदू समुदायों के हितों की रक्षा की जा सके। इस समिति को विशेष रूप से भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा और स्थिति पर नजर रखने का काम सौंपा गया है। ये कदम हाल ही में बांग्लादेश में मची उथल पुथल के बीच उठाया गया है, जिनमें भारतीय नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई जा रही थी। बता दें आपको, 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से इस्तीफा देने और देश छोड़कर भारत आ जाने के बाद से जारी हिंसा में कई हिंदू मंदिरों, घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की गई और अवामी लीग से जुड़े कम से कम 2 हिंदू नेताओं की भी जान ले ली गई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदायों पर हमलों की घटनाओं के बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि वो नस्ली आधार पर होने वाले किसी भी तरह के हमले या हिंसा भड़काने के खिलाफ हैं। वो बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे हमलों के संबंध में महासचिव की प्रतिक्रिया से जुड़े सवालों के जवाब दे रहे थे। बता दें आपको, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर शपथ ली है। देश में सरकारी नौकरी में दरअसल आरक्षण प्रणाली के खिलाफ और फिर सरकार विरोधी व्यापक प्रदर्शनों के बीच शेख हसीना ने सोमवार को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और देश छोड़कर चली आई थी। बांग्लादेश में अफरा तफरी के माहौल के बीच यूनुस ने देश की बागडोर संभाली और उनके सामने फिलहाल देश में शांति बहाल करने और चुनाव कराने का जिम्मा है। तो वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदायों पर लगातार हो रहे हमलों के बीच हजारों की संख्या में बांग्लादेशी भारत के जलपाईगुड़ी जिले के पास इकट्ठा हो गए। ये वो लोग हैं जो भारत आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बॉर्डर पर तैनात फोर्स ने उन्हें हटा दिया। दरअसल बांग्लादेश में जब से आरक्षण की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन हिंसा में बदला, तो उसके बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार भी बढ़ते चले गए और लगातार वो अत्याचार जारी है। हालांकि बॉर्डर पर बीएसएफ के जवान तैनात हैं, जो इन लोगों को
समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी भी बॉर्डर पर लोग डटे हुए हैं और भारत में आने की जुगत में लगे हैं। वहीं बांग्लादेश में पैदा हुई अराजकता की स्थिति में बांग्लादेश और भारत जोड़ने वाले बॉर्डर पर बीएसएफ की तरफ से सुरक्षा बढ़ा दी गई। वहीं बांग्लादेश से सटे 5 राज्यों में सुरक्षा के मद्देनजर हाई अलर्ट कर दिया गया है। जिन राज्यों में हाई अलर्ट किया गया है इनमें पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मणिपुर है। वहीं बांग्लादेश में हालात कैसे हैं और ये सब क्यों हुआ और बांग्लादेश के पीएम हाउस में घुसे छात्र क्या कर रहे थे और वो क्यों घुसे, इस बात का खुलासा एक बांग्लादेशी छात्र ने किया है जो इस वक्त बेशक भारत में मौजूद है लेकिन वो अपने माँ बाप से लगातार संपर्क में है जो बांग्लादेश में रह रहे हैं। सुनिए इस छात्र ने क्या कुछ खुलासा किया है और क्या कुछ बताया है कि बांग्लादेश में हालात अभी कैसे हैं। मैं बात कर रहा हूँ अभी तो जो गवर्नमेंट फेल और टेंशन की बात ही है। मैं कॉल कर रहा हूँ 1-2 घंटे बाद उन लोगों से बात हुआ, उन लोग बोल रहे हैं अभी सिचुएशन नॉर्मल हो रहा है, उन लोगों को कोई अभी तक तकलीफ नहीं हुआ है। सही जो वहाँ पर परिस्थिति है उसकी वजह से कैसी समस्याएं खाने पीने को लेकर या अन्य जो समस्याएं हैं क्या है? हाँ, जब प्रोटेस्ट चल रहा था तभी तो रोड वगैरह बंद था, तो जो सब्जी वगैरह और जो सामान थे वो आ नहीं पा रहा था। फिलहाल जो स्टूडेंट है वो भी साथ दे रहे और बाकी जो गवर्नमेंट है आर्मी सब भी साथ दे रहे ताकि सब चीज़ नॉर्मल हो जाए जल्दी से। अभी चीज़ें वगैरह आ रहे हैं और प्राइस भी जो बढ़ गया था अभी थोड़ा थोड़ा करके कम हो रहा है। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे आप जो आपका परिवार इस वक्त वहाँ पर है? हाँ, मैं परिवार से बात किया है, वो लोग बोल रहे हैं कि जो स्टूडेंट है वही बाहर निकल आए, वही जो ट्रैफिक वगैरह वो संभाल रहा है और देख रहे हैं कि मतलब रोड भी क्लीन स्टूडेंट ही कर रहा है और सारे जो पार्लियामेंट वगैरह जो हालात हुआ था वो भी सब क्लीन स्टूडेंट ही कर रहा है। मैं घर से बात कर रहा हूँ अभी 1-2 घंटे बाद बात कर रहा हूँ, बोल रहे हैं कि सिचुएशन नॉर्मल हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं हो रहा है उन लोगों को। पार्लियामेंट में जिस तरीके से लोग घुसे सामान लेकर गए, आपके कुछ लोग भी क्या वहाँ शामिल थे और क्या कुछ जानकारी मिली है? हाँ, मेरा फ्रेंड लोग भी वहाँ पे था, वो लोग भी स्टूडेंट था, प्रोटेस्ट में शामिल था। मैं उन लोगों से बात किया है, वो लोग बोल रहे हैं कि जो चीज़ है वो सब एक सेलिब्रेशन की तरह लोग ले रहे हैं क्योंकि जो पीएम हाउस है यहाँ पे जाना सबका सपना होता है, किसी ने नहीं जा पाता, तो स्टूडेंट जब गया स्टूडेंट से ज़्यादा जो आसपास के लोग थे वो चीज़ें कुछ कुछ करके लेके आ रहा था, लेकिन फिर स्टूडेंट ने सब एक साथ मिलके लगभग 80-90% वहाँ पे सब वापस ले आया। और मैं एक न्यूज़ और भी देखा है कि पीएम हाउस से 75 लाख का एक लोग लेके भाग रहा था, स्टूडेंट ने उसे पकड़ा है और आर्मी के हाथ में वो पैसा दे दिया है।